हमने अपनी पिछली क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में टिश्यूज के बारे में पढ़ा था, और हमने उसमें क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था कि टिश्यूज होते क्या हैं, है ना, और क्या किया था, और हमने ये समझा था कि टिश्यूज को हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने टिश्यू को किसमें क्लासीफाई किया था? एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज में। और क्योंकि हम प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने प्लांट टिश्यूज को फर्दर डिवाइड किया था, और वो किसमें किया था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में और परमानेंट टिश्यू में। और इसके बाद परमानेंट टिश्यूज को हमने डिवाइड किया था सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में। तो ये सारी बातें तो हमने बहुत अच्छे से अपने पहले क्लास में पढ़ ही ली है। तो अगर आपने वो सारी क्लासेस मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पर जाकर उसको चेक कर लेना। ठीक, तो आज की क्लास में हम क्या समझेंगे? तो आज की क्लास में हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में, और जिसके बारे में हमने थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ ही लिया है ना। और उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स की सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन एक ही टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन हो गई। और इसको हमने फर्दर किसमें डिवाइड किया? इसको हमने फर्दर डिवाइड किया जाइलम और फ्लोएम में। तो जाइलम के बारे में हमने पढ़ लिया था, है ना। तो आज की क्लास में हम समझेंगे फ्लोएम के बारे में। तो फ्लोएम क्या हो गया? जैसा कि आपको बोर्ड से पता चल रहा है कि फ्लोएम जो हो गया वो एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ना। तो ये तो हमें समझ में आ गया, जैसा कि बोर्ड में लिखा है कि फ्लोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स की सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन ये फंक्शन एक ही टाइप का परफॉर्म करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है कि फ्लोएम जो है वो क्या है? वो एक कंडक्टिंग टिश्यू है ना। ये क्या करता है? ये फूड को कंडक्ट करता है, कहां से? लीव से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्यों? क्योंकि लीव जो है वही तो खाना बनाती है, तो उससे डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में फूड जो पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है? वो फ्लोएम पहुंचाता है। और इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक, सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड जो है वो क्या है कि फ्लोएम जो है इसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? इस टर्म को सबसे पहले किसने बताया? तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल नेगेली। इन्होंने ईयर 1858 में सबसे पहले फ्लोएम टर्म को इंट्रोड्यूस किया, फ्लोएम का नाम बताया। ठीक, और फ्लोएम जो है वो किस वर्ड से निकला है? फ्लोएम जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बार्क। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको अभी पॉइंट्स में समझ में आ गई, जो छोटी छोटी बातें थी और जो इंपॉर्टेंट भी थी। ठीक, अब हम क्या समझेंगे कि फ्लोएम जो है वो कितने टाइप्स की सेल से मिलके बना हुआ है। तो जैसे हमने समझा था अभी कि फ्लोएम जो है वो डिफरेंट टाइप्स की सेल से मिलके बना हुआ है। तो ये कौन कौन सी टाइप्स की सेल से मिलके बना हुआ है? तो वो सबसे पहले क्या है? सीव एलिमेंट्स और सीव ट्यूब्स, सेकेंड कंपेनियन सेल्स, थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा, और लास्ट में फ्लोएम फाइबर्स। तो ये मेनली फोर टाइप्स के सेल से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीव एलिमेंट्स। तो ये सीव एलिमेंट्स क्या है? तो ये स्पेशलाइज टाइप की सेल्स होती हैं फ्लोएम के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं सीव एलिमेंट्स। ठीक, अब ये जो सीव एलिमेंट्स हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक क्या हो गई? सीव ट्यूब, और दूसरी क्या हो गई? सीव सेल्स। ठीक, अब ये जो सीव ट्यूब्स हैं ये कहां मिलती है? ये एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स हैं जिनमें की फ्लावर होते हैं और जो डेवलप्ड प्लांट होते हैं। तो जनरली जो सीव ट्यूब्स है वो एंजियोस्पर्म में पाई जाएंगी। ठीक, अब ये जो सीव ट्यूब है ये किससे बनी होती है? ये बहुत सारी सीव ट्यूब सेल्स से मिलकर बनी होती है। जैसे मान लो ये एक सीव ट्यूब सेल है, तो इसके नीचे एक दूसरी सीव ट्यूब सेल होगी, इसके नीचे एक दूसरी सीव ट्यूब सेल होगी। ठीक है, ये ऐसी बन गई। तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? ऐसे प्लेस्ड होती है, स्टैक्ड होती है, ऐसे एक के ऊपर एक, जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये है सीव ट्यूब। ठीक, तो ये सीव ट्यूब सेल्स है। तो ये बहुत सारी सीव ट्यूब सेल्स मिलकर क्या बनाती है? सीव ट्यूब बनाती है। अब इसकी क्या करेक्टरिस्टिक है सीव ट्यूब सेल्स की? तो ये जो सीव ट्यूब सेल्स होती हैं ये लॉन्ग होती है, इलोंगेटेड होती है, ट्यूबुलर होती है, और एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्टैक्ड होती है। ठीक, और
जो इनके जो एंड्स होते हैं, ये जो एंड्स दिख रहे हैं आपको, ये क्या होते हैं, ये परफोरेटेड होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। और इस एंड को हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट, मतलब इन सीव ट्यूब सेल्स में क्या होती है, सीव प्लेट्स होती है। तो अगर आप सीव प्लेट्स को ऐसे देखोगे तो इसमें बहुत सारे पोर्स होंगे जिन्हें हम कहेंगे परफोरेटेड सीव ट्यूब्स। तो इसमें बहुत सारा परफोरेशन होगा और बहुत सारे पोर्स होंगे, और ये क्यों होंगे कि इनके ही थ्रू जो है वो फूड कंडक्ट होगा, है ना, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये हो गई सीव ट्यूब, और ये सीव ट्यूब है जो डिफरेंट टाइप के सीव ट्यूब सेल से मिलकर बनी हुई है। और ये कैसी है, ये लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, ट्यूबुलर है, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है। ठीक, और क्या चीज है, और ये चीज जो है कि ये जो सीव ट्यूब सेल्स होती है वो क्या होती है, वो लिविंग होती है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है सीव ट्यूब सेल्स के बारे में। अब जैसे ये सीव ट्यूब सेल्स है, मान लो ये सीव ट्यूब सेल है, ठीक है, तो इसके जो चारों तरफ, ये जो इस, ये जो इसके चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है इसके चारों तरफ। ठीक, और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब जब ये यंग होती है तब तो इसके अंदर न्यूक्लियस है, लेकिन जैसे ही ये मैच्योर हो जाती है इसका न्यूक्लियस जो है वो खत्म हो जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पर आप ये पूछोगे कि क्यों, जब ये लिविंग सेल्स हैं और ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हैं, जो भी लिविंग सेल्स की एक्टिविटीज होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है, जैसे डाइजेशन है और एक्सक्रीशन है और बहुत सारी एक्टिविटीज है, तो वो रेस्पिरेशन है, तो ये सारी एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म होंगी जब इसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन है ना, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करती है सारी एक्टिविटी। ठीक है, तो अभी बस आप ये समझ लो कि यहाँ इसमें न्यूक्लियस नहीं होता और इसके पेरिफेरी में साइटोप्लाज्म है इसके। ठीक है, तो ये चीज हमने समझ ली। अब और क्या चीज है, अब दूसरी चीज, जो सीव एलिमेंट में हमने एक सीव ट्यूब समझा और दूसरा क्या समझा, सीव सेल्स। तो सीव ट्यूब सेल्स जो है वो कहाँ पे हुई, जो सीव ट्यूब सेल्स है वो एंजियोस्पर्म में हुई, है ना, बहुत सारी सीव ट्यूब सेल्स मिलकर क्या बना रही है, सीव ट्यूब बना रही है। और ये सीव ट्यूब कहाँ पाई जाएगी, एंजियोस्पर्म में, जो कि फ्लावरिंग प्लांट है और जो बहुत डेवलप्ड है। अब दूसरे टाइप का सीव एलिमेंट क्या हो गया, सीव सेल्स। और ये सीव सेल्स कहाँ पाई जाएंगी, ये सीव सेल्स जो है वो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में पाई जाएंगी, जो कि बहुत डेवलप्ड नहीं है, है ना। टेरिडोफाइट क्या होते हैं, जिसमें कि सीड भी नहीं होते और फ्लावर भी नहीं होते, और जिम्नोस्पर्म क्या हो गए, जिनमें कि फ्लावर नहीं होते लेकिन सीड होते हैं। तो इनमें क्या पाया जाएगा, सीव सेल्स। क्यों, क्योंकि ये कम डेवलप्ड प्लांट है तो इसमें सीव सेल्स होंगी, और ये उतनी ज्यादा स्पेशलाइज नहीं होंगी जितनी की सीव ट्यूब्स होती है। इसमें क्या होगा, इसमें बस ये डिफरेंस है कि जो सीव सेल्स होती है उसमें सीव प्लेट नहीं होती है। सीव ट्यूब्स में क्या थी, सीव प्लेट्स थी, और सीव प्लेट्स के अंदर पोर्स थे, लेकिन सीव सेल्स में सीव प्लेट्स नहीं होंगी, और ऐसी होंगी सीव सेल्स, अगर ऐसे है तो ऐसी सीव सेल्स होंगी, और इनके इन पे क्या होगा, एक ऐसा ऐसा सा ये सीव एरिया होगा, और इनके साइड में लेटरल वॉल में भी पोर्स होंगे, जबकि इसके लेटरल वॉल्स पे पोर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया। तो अभी आपको समझ में आ गया सीव एलिमेंट क्या होंगे, सीव एलिमेंट जो होंगे वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे, जो और जो एंजियोस्पर्म में होंगे, जो हाईली डेवलप्ड प्लांट है उसमें क्या होंगी, सीव ट्यूब्स होंगे, और जो कम डेवलप्ड है जैसे पेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स उसमें क्या होंगे, सीव सेल्स होंगे। आगे बात समझ में कि मैंने क्या बताया, और मेनली जो कंडक्शन का काम है, जो फूड के कंडक्शन का काम है, फूड के ट्रांसपोर्ट का काम है, वो मेनली कौन करता है, ये सीव ट्यूब्स या सीव सेल्स करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम किस पे आ गए, कंपेनियन सेल्स पे। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कंपेनियन सेल्स है, तो कंपेनियन सेल्स जैसा नाम से आपको पता चल रहा है कि ये सीव ट्यूब से जुड़ी होती है ना, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है ना कि कंपेनियन सेल क्या है, सीव ट्यूब सेल्स है ना, ये सीव सेल से वो जुड़ी होती है। अब क्यों जुड़ी होती है, अब जैसे मान लो ये हमारी सीव ट्यूब सेल है, तो इसके साथ क्या है, कंपेनियन सेल जुड़ी हुई है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है। क्लियर, अब मैंने पहले आपको बताया कि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता है, सीव ट्यूब सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन उसकी सारी एक्टिविटीज को कौन फिर परफॉर्म करेगा, तो उसकी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है, ये कंपेनियन सेल, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो इसकी सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, सीव ट्यूब सेल की सारी एक्टिविटीज को।
और वो कैसे करता है? अब ये कंपेनियन सेल कैसे जुड़ा हुआ है इससे, सीधे ट्यूब सेल से? तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू, यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे पोर्स होंगे जिसके थ्रू इसके जो दोनों के साइटोप्लाज्म है वो एक दूसरे की तरफ आते जाते रहेंगे, और इन्हें हम क्या कहेंगे, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये एक नया टर्म है जिसे आपको याद करना है। तो ये कंपेनियन सेल जो सीव ट्यूब सेल से जुड़ा होगा वो किसके थ्रू, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। ठीक, तो ये तो काम हो गया इसका। दूसरा काम क्या है कंपेनियन सेल का, कंपेनियन सेल है जो वो इसको कंट्रोल करेगी, किसके फंक्शन को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती है सीव ट्यूब सेल के अंदर उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करेगा, कंपेनियन सेल्स। ठीक, तो पहले फूड कहाँ आता है, पहले फूड कंपेनियन सेल में आता है और उसके बाद ये कहाँ जाता है, सीव ट्यूब सेल में, और फिर सीव ट्यूब सेल से डिफरेंट पार्ट में चला जाता है। ठीक, तो ये बात तो हमने समझ ली। ठीक, और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि जो कंपेनियन सेल हैं और जो सीव ट्यूब सेल्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ये सिस्टर सेल्स हैं। वो क्यों सिस्टर सेल कहलाती है, क्योंकि वो एक ही मदर सेल से ओरिजिनेट हुई है, मतलब इनकी मदर सेल जो है वो एक ही है, एक ही सेल से डिवाइड होके सीव ट्यूब सेल भी बनी और कंपेनियन सेल भी बनी। तो अगर कभी कंपेनियन सेल की डेथ हो जाए तो सीव ट्यूब सेल की भी डेथ हो जाएगी, और अगर सीव ट्यूब सेल की डेथ हो जाए तो कंपेनियन सेल भी खत्म हो जाएगी या खराब हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर? तो ये तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे किसके बारे में, सीव ट्यूब सेल के बारे में और कंपेनियन सेल के बारे में। क्लियर? और कंपेनियन सेल की भी जो वॉल होती है वो थिन होती है। तो ये तो हमने समझ ली कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब सेल के बारे में कुछ बातें। ठीक, अब नेक्स्ट किस पे आ गए, नेक्स्ट आ गए हम फ्लोएम पैरेन्काइमा पे। फ्लोएम पैरेन्काइमा, जैसे आपको पता है नाम से पता चल रहा है कि ये पैरेन्काइमेटस सेल से बनी है ना, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जैसे आप डायग्राम में दिख रहे हैं ना, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये कंपेनियन सेल के साइड में फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये भी कैसी है, लॉन्ग है, इलोंगेटेड, और इनकी भी जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है, और इनका मेन फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन है फूड को स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और ऑयल और जैसे लेटेक्स, रेजीन, ये सारी चीजों को ये स्टोर करते हैं, कॉल फ्लोएम पैरेन्काइमा, और ये भी लिविंग सेल्स हैं। तो अभी तक हमने जितनी भी सेल्स के बारे में पढ़ा फ्लोएम के, वो सारी क्या थी, लिविंग थी, लेकिन अब लास्ट में जो हम सेल के बारे में पढ़ेंगे फ्लोएम फाइबर्स के बारे में, ये जो फ्लोएम फाइबर्स हैं वो डेड सेल से बनी होती है, और वो डेड सेल्स कौन सी है, वो है स्क्लेरेन्काइमा, है ना। तो जैसा हमने पढ़ा है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स कैसी होती हैं, वो इलोंगेटेड होती हैं, उनके टेपर्ड एंड होते हैं, और क्या होता है, और ये डेड होती है ना। तो वैसे ही फ्लोएम फाइबर्स की सेल्स भी हैं, और ये क्या करती हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। जहां भी फ्लोएम फाइबर्स होंगे, जहां भी स्क्लेरेन्काइमा की सेल होंगी, वो क्या करेगी, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी। तो वो फ्लोएम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। क्लियर? तो ये सारी बातें हमने समझ ली फ्लोएम के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करना है, जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सके। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।